अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका छोटू शेफ के किचन में। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ मज़ेदार से कीमे की रेसिपी। वो हम बनाएंगे माय मदर स्टाइल में, कि मेरी मम्मा जो है किस तरीके से कीमा बनाती हैं। बनाऊंगा भी मैं नहीं, बनाएंगी भी मेरी मम्मा। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि क्या डालना है, कैसे डालना है, सब आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाती है मेरी मम्मा और लाजवाब टेस्टफुल होगा वो। तो चलें देखते हैं फिर कैसे बनाती है मेरी मम्मा। तो सबसे पहले मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है और हमने जो है इसको अच्छी तरीके से धो के इसको इतना जो है काटा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। और इसको अंदर जो है हमने पपीता और थोड़ा सा अदरक लहसुन लगा के इसको मैरिनेट कर लिया। और ये बारीक कटी हुई प्याज ले लिया हमने, इसको नॉर्मली जो है वैसे काट लिया। और जीरा लिया है हमने, हरा धनिया लिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और ये टमाटर का पूरा मसाला इसी के अंदर हमने जो है स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, जिसमें नमक, इसी मिर्ची, धनिया, हल्दी और साबुत मिर्ची है उसको हमने दो दो कर लिए। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और अब इसमें ऐड कर देंगे जीरा और जीरा को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी प्याज जो है नरम हो जाए। तो देखें प्याज जो है वो नरम हो चुकी है और लाइट ब्राउन पन पे जो है वो आ रही है। तो इस स्टेज पे जो है हम डाल देंगे इसके अंदर गोश्त, गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम इसको जो है 5 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। तो इसको 5 मिनट तक जो है वो थोड़ा सा भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे मामा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ मसाला भी ऐड करेंगे या भी इसको भूनेंगे। तो इसको भी एक दो मिनट में अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देखें अदरक लहसुन को जो है वो भून लिया और गोश्त में जो है वो पानी छोड़ दिया। तो ये देखें अब हम इसी दम के अंदर जो है इसको गलाएंगे और इसी के साथ मम्मा ऐड कर दी इसके अंदर सारे स्पाइसी जो होते हैं ना टमाटर के साथ और उसको भी भुनेंगी। अब सबको एक साथ अच्छी तरीके से अब भुनाई होगी उनकी। तो देखें ये थोड़ा सा मसाला जो है भून लिया है और क्या खुशबू हो रही है लाजवाब। तो अब हम क्या करोगे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस एक कटोरी पानी ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि जब हम 15-20 मिनट इसको पकाएंगे ना तो गोश्त भी गल जाए। गोश्त तो वैसे ही हलवा हो जाएगा क्योंकि हमने इतना पपीता भी लगा के रखा था मैरिनेट में, इस वजह से ये देखें खड़ा खड़ा मसाला है। ये 15-20 मिनट में जब हम इसको रखेंगे ना तो ये मसाला भी अच्छी तरीके से नरम हो जाएगा। तो हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक ढक के पकाएंगे। देखें 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो भी गल चुका है, बिल्कुल हलवा हो गया होगा हमारा गोश्त और मसाला भी जो है अच्छी तरीके से वो हो गया है। तो अब मम्मा इसके ऊपर डालेंगी, गार्निश करेंगी हरा धनिया। अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची वगैरह भी डाल सकते हैं लेकिन हम बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से बना रहे हैं। तो बस हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारे लाजवाब मज़ेदार से सिंपल और इसी तरीके के कीमे की रेसिपी पसंद आई ना, तो ये कीमा जो है वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा बारीक वाला कीमा होता है लेकिन ये थोड़ी मोटी मोटी बोटी थी उसका कीमा बनाए, ये भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और जल्दी से इस बटन पे क्लिक करके छोटू शेफ शाइन को सब्सक्राइब कर दो और नीचे लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो कर दिया ना, तो फिर कॉमेंट कर दो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।